दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पैराटो ट्विन फैमिली पर। जैसा कि आप वीडियो पर देख रहे हैं कि बोतल के अंदर एक सांप का बच्चा है जो मैंने अभी सुबह सफाई करते हुए पकड़ा है अपने बराबर वाले प्लॉट में। तो मैंने सोचा कि सांप को मार के अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं इसे पकड़ लेता हूँ और छोड़ देता हूँ कहीं जंगल में। ये एक्चुअली किंग कोबरा का बच्चा है। जो सांप जो होते हैं उनमें सबसे जहरीला और विषैला कोबरा माना जाता है, किंग कोबरा। यहाँ तक बोला जाता है कि ये फन पर खड़ा होकर हाथी के माथे पर भी काट लेता है। ये अभी छोटा बच्चा है, ये देखिए बोतल के अंदर बंद है। अगर ये किसी को काट ले तो इंसान की मौत होना निश्चित है, क्योंकि ये बहुत ही विषैला और ख़तरनाक सांप होता है और आजकल इसकी संख्या बहुत कम हो गई है, काफ़ी कम संख्या में पाया जाता है। ये एक ज़माना था तब इसकी तूती बोलती थी और हर जगह मिलता था, पर अब ये रेयर स्नैक्स में हो गया है। तो मैंने सोचा कि सांप है, किसी को काट ले उससे अच्छा होगा कि मैं इसको पकड़कर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं इसे मारना भी नहीं चाह रहा था। भोलेनाथ के प्रिय होते हैं सांप और मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो मैं एक सांप को कैसे मार सकता हूँ। इसी उम्मीद से कि ये अपनी ज़िंदगी जिएगा और किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाए, ये सोचते हुए मैं इसे आज छोड़ने आया हूँ यहाँ जंगल में, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जिए। इसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, जिस तरह से हमें हक है उसी तरह से इसके भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। पर जब हम इंसान इनकी आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं या अतिक्रमण कर लेते हैं तो ये निश्चित है कि ये हम पर हमला करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। देखिए कितना, अभी तो छोटा ही बच्चा है ये। अब मैं बोतल का कैप खोलूँगा तब आप देखना किस तरह से ये कितना ख़तरनाक है और कैसे कैसे ये जाता है। ये देखिए ये देखिए, किंग कोबरा का बच्चा। मैं इसको अभी थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ किसी को काट ना ले, ताकि ये जंगल में झाड़ियों में आराम से चला जाए। ये देखिए अभी अंदर जा चुका है जंगल में।